हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 04 फ़ोन है, तो मोटो जी 04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन में वाईफाई प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं मोटो जी 04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं मोटो जी 04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं ना, आप कैसे ठीक कर सकते हैं वाईफाई की प्रॉब्लम्स को मोटो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे वाईफाई प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो स्लाइड करते हुए सिस्टम सेटिंग्स पे चले जाना है, जहाँ से आपको रीसेट का ऑप्शन सा मिल जाएगा। तो रीसेट ऑप्शंस पे जाकर आपके पास वाईफाई मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स से शो हो जाती है देखने को मिल जाएगी। सिंपली जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के आप इसके जरिए ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करते ही वाईफाई की सेटिंग्स भी रीसेट हो जाएगी और वाईफाई प्रॉब्लम से आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके भी वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग्स वगैरह भी रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन में और भी ऑप्शंस का आप यूज़ कर पाएंगे और साथ में ही अपने फ़ोन की वाईफाई की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं अपने मोटो फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।